यहाँ से तारकालिंगम बदाले हाट के सब मृत्यु लोग महाकालम क्रियलिंगम नमस्ते वेरी गुड वेरी गुड अकाल मृत्यु वो मरे जो कार्य करे चंडाल का काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का जय महाकाल जय महाकाल तो महादेव के मंदिर हर गली के कॉर्नर पे एक मंदिर होता है, लेकिन महादेव के सभी शिवलिंगों में 12 ज्योतिर्लिंग को सबसे ऊपर गिना गया है। उसमें भी आप दर्शन कर रहे हैं। 12 ज्योतिर्लिंग में से तीसरे ज्योतिर्लिंग महादेव कहा गया है कि ये भारत का मध्य है और उज्जैन मध्य प्रदेश के मध्य में आता है। यहाँ से 4 घंटे की दूरी पे आप दर्शन करने जा सकते हैं ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के, यानी एक ही ट्रिप में आप 2 ज्योतिर्लिंग पूरे कर सकते हैं। वो नर्मदा नदी के किनारे है जो ओमकार के आकार में बहती है, इसीलिए उनका नाम ओमकारेश्वर है। मित्रों, यहाँ पे आप जरूर जाइए। ये एक ऐसी नगरी है जहाँ पे आप बहुत बड़े बड़े तीर्थों के दर्शन कर सकते हैं। सबसे पहले जाइए मंगलनाथ जी के मंदिर में। ये मंगल ग्रह का जन्म स्थान है और मंगल जी का पूरे भारत में यही एक मंदिर है। महादेव एक राक्षस का वध कर रहे थे, वो मर नहीं रहा था। जहाँ उसके खून की बूंद गिरती थी वहाँ से एक नया राक्षस पैदा हो जाता था। तो मंगल देव ने महादेव जिसका सर काटते थे उसका खून पी जाते थे, जिससे वो राक्षस मर गए। इसीलिए उन्हें भूमिपुत्र भी कहा जाता है और ये मंगल दोष दूर करने का सबसे उत्तम स्थान है। वहाँ से फिर आगे आप जाइए काल भैरव। ये उज्जैन के कोतवाल है। यहाँ पे मंदिर की विशेषता है कि सिर्फ भारत का एक ही मंदिर ऐसा है यहाँ जहाँ पे शराब चढ़ाई जाती है, और साइंटिस्ट परेशान हो चुके हैं कि इतनी शराब पूरे दिन में चढ़ती है लेकिन फिर भी यहाँ की ज़मीन बंजर नहीं हुई। उसके बाद में आप जाइए गढ़ कालिका के मंदिर। उसके बाद आप जाइए बथवारी जी की गुफा में। ये नवनाथ जी के एक नाथ की यहाँ पर तपस्थली है। पांचवा है हर सिद्धि शक्तिपीठ। मित्रों, यहाँ पे आके शक्तिपीठ के भी आपके दर्शन होंगे। उसके बाद में आप महाकाल जी के दर्शन करिए और यहीं पे शिप्रा नदी बहती है जहाँ पे कुंभ का मेला लगता है। रामघाट में जाके वहाँ पे डुबकी लगाई जाती है और फिर वहाँ पे है संदीपनी आश्रम। संदीपनी गुरु हैं भगवान कृष्ण के। यहाँ पे उन्होंने 8 दिन में पूरे शास्त्रों का ज्ञान लिया था। यहाँ पे नंदी भी खड़े हैं। पूरे इंडिया में एक ही मंदिर ऐसा है जहाँ पे नंदी खड़े हैं, क्योंकि गुरु के सामने बैठा नहीं जा सकता। उज्जैन जाइए, महाकाल जाइए तो वहाँ पे बसमारती जरूर करिए। बसमारती का समय होता है सुबह 5 से 6 बजे का, लेकिन सुबह सुबह यहाँ पे पहले जो भी 1 घंटे तक श्रद्धालु आते हैं उनको जल चढ़ाने के लिए मिलता है, तो जो जल चढ़ता है 4 से 5 बजे, और वहाँ पे वो जल चढ़ाने के लिए आपको लाइन में 2 बजे लगना पड़ेगा। और बसमारती की टिकट आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं जो फ्री ऑफ चार्ज होती है। मित्रों, हो सके तो शनि रवि और सोम और शिवरात्रि के दिन दर्शन करने ना जाएं, क्योंकि वहाँ इन दिनों में आपको दूर से दर्शन करने पड़ेंगे। आप शिवलिंग तक नहीं जा पाएंगे और छू नहीं पाएंगे। शमशान में जाकर मंदिर नहीं जाया जाता, लेकिन यहाँ पे महाकाल जी की आरती और उनका श्रृंगार ही भस्म है। जो मुर्दा पहले जलता है उसी की भस्म महाकाल जी को चढ़ाई जाती है और वही वहाँ पे प्रसाद में दिया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि ये भस्म को ग्रहण करने वाली की सभी बीमारियाँ दूर हो जाती हैं। लेकिन आजकल वहाँ पे मुर्दे की भस्म चढ़ाना बंद हो गया है। अभी वहाँ पे भस्म चढ़ती है कपिला गाय के गोबर की, पीपल और पलाश की लकड़ी का भस्म बनाया जाता है, फिर वो चढ़ाई जाती है। भस्म आरती करने देखने जाएं, दर्शन करने जाएं तो महिलाओं को कुछ समय के लिए घूंघट ओढ़ा दिया जाता है, उनको ये भस्म आरती देखने की इजाज़त नहीं होती है। मंदिर में जब भी आप जाएं आपको धोती पहन के ही जाना पड़ेगा अगर आप जल चढ़ाना चाहते हो सुबह 4 से 5 बजे के समय में। भस्म आरती के दर्शन करने के लिए धोती पहनना कंपलसरी नहीं है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इनका नाम महाकाल क्यों है। एक राक्षस था जिसका नाम था दुष्यंत, जो महादेव के भक्तों को परेशान करता था। अपने भक्तों की रक्षा के लिए भगवान वहाँ पर प्रकट हुए और महाकाल का विकराल रूप लिया और उस दूषण राक्षस को मारा, जिसे मारना बहुत कठिन था।
फिर अपने भक्तों की रिक्वेस्ट पे कि आपने हमारा उद्धार किया है लेकिन हम चाहते हैं कि आप यहाँ पे परमानेंट निवास करें, तब भगवान ने वरदान दिया कि मैं यहाँ पे ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ पे हमेशा के लिए वास करूँगा, तभी से ये ज्योतिर्लिंग वहाँ पे स्थापित हुआ। ऐसे तो बहुत सारे शिवलिंग हैं लेकिन ऐसा बोला जाता है कि आकाश है तारकालिंगम, पताले अटकेश्वर मृत्यु लोग महाकालम त्रिलिंगम नमस्तुते। आकाश में तारकालिंगम सबसे बड़ा शिवलिंग है, पाताल में हाटकेश्वर सबसे है बड़ा शिवलिंग है, और मृत्यु को यानी पृथ्वी पे महाकाल सबसे बड़ा शिवलिंग माना गया है। दोस्तों, भगवान की कृपा से मैं अलग अलग मंदिरों में दर्शन करने जाता हूँ, और अगर आप भी मेरे साथ दर्शन करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैंने आपको ये वीडियो भेजा जिससे कि आपको दर्शन आप दर्शन कर सकें, और आप दर्शन करेंगे तो कुछ पुण्य मैं भी कमा सकूँगा, और वैसे ही आपको भी सलाह दूंगा कि आप ये वीडियो आगे भेजिए, लोग और ज़्यादा से ज़्यादा दर्शन करेंगे तो आपको भी कुछ पुण्य मिलेगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, फॉरवर्ड करिए, इससे मुझे प्रोत्साहन मिलता है, मैं और नई जगह पे जाऊंगा और वीडियो बनाऊंगा और आपको दर्शन करवा पाऊँगा। जय महाकाल, जय महादेव, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमेव वन्दनात् मृत्युर्मुक्षमालात् मृत्युञ्जय महादेव जाय महां शरणागतं जलं मृत्युजराव्याधि पीड़िताम् परमगुणे। जब भी भगवान को बिली पत्र चढ़ाएं तो ये मंत्र जरूर बोलें, ओम श्रीराम श्रीनागरम श्री नेत्रम ज्योति आयु राम ती धनम पापम सारम एक बिली शिवम। एक बिली पत्र चढ़ाने से तीन जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। आशा करता हूँ भगवान आपको भी यहाँ पे बुलाएं और आपके भी दर्शन सफल हों। जय।